क्या हाल चाल है आपके। आज हम चिल्ली पटाटो बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक बोल में 3 आलू ले लेंगे। इन आलूओं को मैंने फ्रेंच फ्राइज की शेप में काट लिया और ये कच्चे आलू हैं। फिर उसमें 1/2 कप मैदा डालेंगे, सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे एक बार साइड में रखेंगे और इसके लिए बैटर बनाएंगे। उसके लिए एक बोल में 1/2 कप मैदा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका बैटर बना लेंगे। स्टार्टिंग में तो आप थिक बैटर बनाना ताकि उसमें लम्स ना आए, और बाद में थोड़ा सा और पानी डाल के उसका बैटर बना लेना। इस बैटर की कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। फिर उसके बाद वो बैटर हम आलू में डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पटैटो चिली के लिए ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, उसे अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद 2 फाइनली चम्मच ग्रीन चिलीज डालेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून गार्लिक और 1/2 टेबलस्पून जिंजर डाल के उसे 10 सेकेंड्स के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। फिर उसके बाद 1 अनियन और 1/2 कैप्सिकम डालेंगे, उसे 30 सेकेंड्स तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। उसके बाद हम चिली पेस्ट डालेंगे। ये चिली पेस्ट मैंने सिर्फ ग्रीन चिलीज को ग्राइंड करके बना लिया है। उसके बाद उसे 10 सेकेंड्स तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद इसमें सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, मैंने तो थंबनेल के हिसाब से डाला था। फिर उसे 10 सेकेंड्स तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। एक बार इस ग्रेवी को साइड में रखेंगे और हम अब पटैटोस फ्राई करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर पटैटोस को फ्राई करेंगे। इनको करीब 7 to 10 मिनट्स तो लगेंगे क्योंकि ये कच्चे आलू थे। अगर ऐसे चिपक जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में हम जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तब इनको अलग कर लेंगे। फिर इन्हें टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। ऐसे ही मैंने सारे आलू को फ्राई कर लिया है और अब उसके बाद आप ग्रेवी को अच्छे से गर्म करना और फिर उसके बाद उसमें सारे आलू डाल देना और सिर्फ अच्छे से एक बार मिलाना और गैस बंद कर देना, वरना ना पटैटो सारे एकदम सॉगी हो जाएंगे, मतलब एकदम ही क्रिस्पी नहीं रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और वो घंटी भी बजा देना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर कोई सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना।